Namaskar, hello, adab, and welcome to In Video Games YouTube channel. He's on fire, fantastic performance. Oh, what a leap! Takes a superb catch. What a win, that's done it. The whole team running over to celebrate. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले T20 की सीरीज के पहले T20 मैच में, जहां पर एडिलेड ओवल में हम लोग आ चुके हैं। यहां पर मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम बना हुआ हूं, श्रीलंका मेरा अपोनेंट है और हम लोग मेरा जो गेम प्ले फॉर्मेट है गेम प्ले का वही फॉलो करने वाले हैं। मतलब 15 ओवर का हिस्सा होगा ऑटो प्ले और बाकी के 5 ओवर हम लोग बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, जो हिस्से में आता है वो। कंडीशन की बात करें, काफ़ी ठीक ठाक मौसम है, कोई बहुत ठंडी भी नहीं है, बहुत गर्मी भी नहीं है। बारिश की संभावना 20% लगभग ना के बराबर है। आरन फिंच और लसित मलिंगा, यहाँ पर लसित मलिंगा को देख के कई बार हंसी आ जाती है, इस गेम में, रियल में नहीं, असली में नहीं, इस गेम में देख के। और ऑस्ट्रेलिया ने जीता है टॉस, मतलब हमने टॉस जीता है। हम लोग बिना किसी शर्म के यहाँ पर पहली बैटिंग लेंगे। हम चाहते हैं यहाँ पर डिफेंड करना एक बार फिर इस टोटल को जो भी हम बनाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मैं अंत के 5 ओवर ही खेलने वाला हूँ, तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस गेम में मुझे आइडिया है नहीं कि ऑटो प्ले किस हिसाब से होता है। इंजॉय करिए आप अभी की हाल फिलहाल एंट्री हमारे क्रिकेटर्स की। और यहाँ पर मैच की शुरुआत होने वाली है। लसित मलिंगा बॉलिंग के लिए आ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर आरन फिंच और डेविड वार्नर की जोड़ी और पहली ही गेंद पे आउट हुए हैं। वाह भाई वाह, हो गया आउट ऑफ प्ले मेरा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का, रन आउट हुए हैं। मुझे एक्चुअली कैच आउट लगा, इसलिए मैंने दौड़ा दिया, मुझे लगा आउट ही होगा तो फिर मतलब ही नहीं है, तो मैंने रन दौड़ा दिया और कैंसिल भी इसलिए नहीं कराया। यहाँ तो दांव हो गया हमारा, बाकी के 15 ओवर में पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतनी गंदी शुरुआत होगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 5 ओवर का और हिस्सा ऑटो प्ले होने वाला है। अच्छी बात यह है मेरे हिसाब से कि 5 ओवर यहाँ पे ऑटो प्ले और होगा तो 5 ओवर हमको खेलने को मिलेगा। और अब हम जाएंगे बैक यहाँ पर और कोशिश करेंगे बड़ा स्कोर करने की। स्पिनर के साथ शुरुआत हो रही, रमेश शुक्ला आए हैं, पता नहीं कौन है ये, क्योंकि इस गेम में असली प्लेयरों के नाम नहीं यूज़ कर सकते थे सिवाय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के, मजबूरी थी। तो कैच के लिए अपील हुई है, प्लेयर ने दौड़ा काफ़ी है और गेंद के नीचे है और यहाँ पर कैच करने में कोई गलती नहीं करेगा। मैं बेसू खेलने गया था, भारी पड़ गया। रमेश शुक्ला पहली विकेट ले जाते हुए यहाँ पर। मार्क कसिस्टा ने 17 गेंदे 19 रन बना के आउट हो गए। और भाई जिस तरह से मैं खेल रहा हूँ मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बना पाएगी कुछ भी रन। कोशिश कर रहा हूँ और गेंद आएगी तो डेफिनेटली खेलूँगा अभी। और ये देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता यार, हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ यार, गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। ये देखिए अगली गेंद पर सिक्स मारा है, दिखा दिया है कि जो शॉट खेला था वो थोड़ा सा अगर लेग साइड खेल देता, हाँ ऑफ साइड खेल देता तो आराम से वो गेंद। एक बार फिर से कैच की अपील हुई है, प्लेयर बहुत ही, अरे यार इसको मैं कैसे पकड़ लेता है यार। शुक्ला यहाँ पे छा गए, रमेश शुक्ला एक और विकेट ले जाते हुए यहाँ पे। एक बार फिर लेग साइड में खेलने की कोशिश थी पीटर हैंडसॉम की, लेकिन सफलता नहीं मिली है। आउट हुए हैं, एंड्रयू टाई आए हैं। अब थोड़ा सा यही शॉट अगर पूरा क्लियर नहीं होगा तो नहीं खेलूंगा, क्योंकि फील्डिंग सेटअप हो गया है, चेंज सामने की तरफ मस्त गैप है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि गेम कहाँ मार जाएगा, गेम खेलने के बाद तो पता नहीं है यहाँ पर। देखिए फिर से मैंने वाली गलती की थी, रन दौड़ाने वाली। 100 गेंदों में
एग्जैक्ट 100 रन है, नहीं 94 गेंदों में 100 रन है। हमारी कोशिश 130 के ऊपर जाने की है, क्योंकि 15 ओवर का हिस्सा ऑटो प्ले होने वाला है। इसका मतलब ये है कि 15 ओवर ऑटो प्ले होगा, मतलब कि अपोनेंट भी बहुत सारे विकेट खोएगा, अपोनेंट भी बहुत ही कम रन बनाएगा, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है अगर चाहें तो। आप देख सकते हैं मेरा शॉर्ट सिलेक्शन किस तरफ का है, और एकदम सरप्राइज किया है जिस तरह जिस डायरेक्शन में गेंद डाली है वहाँ पर, काफ़ी बड़ा सरप्राइज रखा है मुझे। तीन विकेट अभी तक मैंने गंवाए हैं सिर्फ, और सिर्फ 8 रन बनाया है मैंने अभी तक नियम के हिसाब से देखा जाए तो। और फील्डिंग सेटअप तो यार बहुत ज़्यादा बढ़िया रखा है, क्योंकि कहीं रन ही नहीं है। अगर मैं जब तक लॉफ्टेड शॉट नहीं खेलता तब तक तो बाउंड्री जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखो यहाँ पर भी कैच है, अगर मैं अग्रेसिव खेलता हूँ तो हर जगह लगभग रन ही रन, कैच ही कैच है, रन ही रन नहीं कैच ही कैच है। ये जहाँ भी मारा वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी दो प्लेयर खड़े हैं, एक 38 में खड़ा है, एक डीप में खड़ा है। ये देखिए तीन प्लेयर खड़े हैं, सॉरी दो नहीं तीन खड़े हैं यहाँ पर अभी तो। मैं हुक शॉट मारने की सोच रहा हूँ लेकिन गेंद आनी चाहिए, और इस बार एज लगी है, लेकिन इस बार हम लोग तैयार हैं। पहले वाली गलती थी, गेंद पिच खा गई थी इसलिए बच गए हैं, और ऑफ स्टंप के बाहर थी पूरी तरह से इसलिए भी बच गए। फिर से सिंगल का कॉल, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वही बात है अगर रिस्क लेंगे तो रन बनेंगे, नहीं तो फिर सिंगल से ही खुश होना पड़ेगा, और रिस्क के लिए भी गैप तो होना चाहिए, गैप में गेंद आ नहीं रही है। और जो शॉट खेल रहे हैं उस पर सिर्फ सिंगल आ रहा है। रन रेट को किसी तरह मेरे ख्याल से 7 पे पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। लॉफ्टेड शॉट अगर देखा जाए तो सामने खेल सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात आती है सामने से प्लेयर रनिंग करके आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया खेला हुआ शॉट, लेकिन दो रन निकाल लिए हैं, अच्छी बात है ये बहुत, क्योंकि थोड़ा मुश्किल लग रहा था दो रन भी। ओवर हुआ है पूरा 17 ओवर 108 रन, स्पिनर पे एक बार फिर विश्वास दिखाया है, फील्डिंग सेटअप बहुत बढ़िया, ना मैं लॉफ्टेड खेल सकता हूँ ना फ्लिक किया है, दो रन की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। नॉन स्ट्राइकर एंड को दौड़ना होगा, अरे दौड़ा ही नहीं यार, रनिंग दौड़ाया था मैंने, क्लिक किया था टच बटन को प्रेस किया था लेकिन ना बोल दिया शायद, या जो भी रीज़न हो पर्सनल रीजन से। पीछे की तरफ खेलने की इच्छा तो बहुत हो रही है, गेंद भी वैसे ही आ रही है, देखिए रिस्की रन, थ्रो में गलती दिया तो डायरेक्ट है लेकिन देरी कर दी देने में, काफ़ी वक्त लिया गेंद को थ्रो करने में इसलिए फ़ायदा उठाया हमने उसका। बार दो रन का कोशिश करेंगे हम लोग, कोई शक नहीं है इसमें, तीन की कोशिश नहीं, तीन की कोशिश का कोई मतलब नहीं है, दो से ही कुछ है। क्या सामने की तरफ अग्रेसिव बैटिंग करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा लालच हो रहा है मेरे मन में, देखिए सामने की तरफ मेरी बहुत ज़बरदस्त इच्छा हो रही है खेलने की। और ये वाइड गेंद है, बच गए हैं, बाउंसर गेंद था, शॉट तो बहुत जल्दी ले ली थी पोजिशन शॉट के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैट पे लगा ही नहीं है शॉट। इस बार एज के लिए अपील हुई है, अपील की भी नहीं है, नहीं अपील की है पता नहीं, आउट दे दिया एम्पायर ने डायरेक्ट, जो भी हो क्योंकि अपील तो मुझे दिखी नहीं, और DRS का ऑप्शन भी हमको नहीं दिया है पता नहीं क्यों। विकेट गिरा है अग्रेसिव रन बनाने में, 18 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर का खेल बाकी है, अरे 17.4 हुए भाई, बहुत अभी तो खेलना है, थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगे अब हम। एक शॉट, दो की कोशिश, नहीं 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 नहीं, सिंगल से खुश, 14 रन, एक गेंद बाकी है इस ओवर का, 12 गेंदे और हैं। बैट्समैन अगर देखें तो रन बनाना हो तो इधर बना सकते हैं रन ऑफ साइड में ड्राइव में, लेकिन उसके लिए बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा, और गेंद भी उधर आनी चाहिए, गेंद तो आ ही नहीं रही है, बाकी सब जगह जा रही है सिवाय उसी पोजिशन पर नहीं जा रही जहाँ पर कैप है, तो यही तो बॉलर की खासियत है गेंदबाजी इस तरह से करना कि जहां पर प्लेयर हो वहीं पर ही शॉट मारे बंदा। बहुत ही बढ़िया शॉट, ओवर थ्रो नहीं हुआ है पता नहीं, कोशिश ही नहीं की, आउट करने की कोशिश भी नहीं की है, मेरे एक हिसाब से सही भी है, कीपर बहुत दूर था, मिस कर देते तो शायद एक रन और एक्स्ट्रा आ जाता।
फ्लिक किया है गेंद को, दो रन का पूरा कोशिश करेंगे हम लोग। और हाल फिलहाल अच्छी थ्रो है क्योंकि काफ़ी ग्राउंडेड शॉट ग्राउंडेड दी थी, बहुत ज़्यादा हवा में नहीं रखी थी गेंद थ्रो में। अब शॉट की बात करें तो हर जगह प्लेयर ही है, पीछे की तरफ अगर हुक शॉट पुल शॉट खेलते तो बात बन सकती है। गेंद उस तरह की भी आनी चाहिए और क्या गैप ढूंढा है, अनएक्सपेक्टेड बाउंड्री जाती है तो बहुत बड़ा, अरे जबरदस्त गैप, टाइमिंग का कमाल है ये, देखेंगे जरूर हम ये रिप्ले। बढ़िया बैट सही पोजीशन पे लगा था, बैट बॉल के साथ संपर्क बहुत बढ़िया हुआ था, गैप में बहुत अच्छी तरह से गई थी गेंद, प्लेयर जब तक पहुंचा तब तक हमारा काम हो चुका था। एक बार फिर से काफी अजीब शॉट खेला है, दो का कोशिश लेकिन ना बुलाए नॉक पे, 6.5 के ऊपर रन रेट को ले गए, ये एक अच्छी बात है। विकेट भी हमने बहुत खोए, एक आध बड़ा शॉट लगाने की बहुत जबरदस्त इच्छा है लेकिन गेंद वैसी नहीं आ रही है। दो रन साफ साफ है और आराम से लेंगे हम दो रन यहाँ पर, 125 एक गेंद अभी बाकी है यहाँ और 15 रन हमें करने हैं। अगर 140 डालना है स्कोर कार्ड पे तो कम से कम 14 रन करने होंगे। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था किधर मारूं, इसलिए लेग साइड में जहां भी जॉयस्टिक रुका वहां पर लगा है इसको। अरे यार फील्डिंग सेटअप देखा जाए तो लग तो सकता है लेकिन बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा टाइमिंग में। अरे क्या होगा पता नहीं, ओके टाइमिंग है, ओके टाइमिंग इनफ है, चौका लग गया है पहला, 130 रन हो गए हैं, वार्निंग भी दी गई है, शॉट कोई बहुत अच्छा नहीं लगाया था लेकिन अच्छी बात है हमें रन मिल गया है। फिर से गैप में खेलने की कोशिश है, फिर से गेंद आएगी तो जरूर वहां मारूंगा। इस बार का इस बार भी ओके टाइमिंग है, मतलब इस बार भी चौका है, वाह भाई वाह। सिर्फ हमारा अपोनेंट ही पीछे नहीं मारता, हम लोग भी मार सकते हैं भाई, ये बात भी है, हम तो इंसान है भाई, हम तो हर गेंद पे चाहेंगे हर गेंद पे मार सकते हैं। देखते हैं अगली गेंद, बच गई, ये हुआ क्या है, अरे बॉडी पे हिट हुई है। लास्ट टाइम हमारा लास्ट जो मैच मैंने अपलोड किया है, आज के दिन जो अभी अपलोड होगा कुछ घंटों के बाद, वो आप जरूर देखना, जबरदस्त मैच है पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। इस बार तो गुड टाइमिंग के साथ खेला है, मतलब कि ओए ये क्या नो बॉल है क्या, पिच गिर गई थी समझ नहीं आया, नो बॉल है, किस्मत दी गई है साथ, फ्री हिट मिला है अगली गेंद पर, कम ऑन अब तो फ्री हिट है भाई, अब तो दमा दम मारो। एक बार फिर गुड शॉट, इस बार प्लेयर नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब है गेंद गई है 4 रनों के लिए। पहली बार हमने फ्री हिट गेंद पे कोई रन अच्छे बनाए हैं, नहीं तो एक रन मोस्टली एक ही रन आता है, पहली बार चौका लगाया है, मजा आ गया। और 141 भी हो गया है, दो गेंदें अभी भी बाकी है, जिस तरह से खेल रहे हैं एक और चौका कम से कम लग सकता है। वाइड गेंद, क्यों इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार फिर गुड टाइमिंग, एक बार फिर बाउंड्री लगेगी और इस बार देखना होगा क्या है, 6 तो नहीं है कहीं, नहीं 6 नहीं है, वरना नीचे 6 डिस्टेंस लिखा आ जाता। सेम शॉट सेम गेंदे लगातार दे रहा है बॉलर, इसमें बैट्समैन की क्या गलती यार, बैट्समैन तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर ही खेलेगा ना। एक 6 मारने की बहुत इच्छा थी लेकिन नहीं हो पाया, ये कैच आउट हो गए यार, हट, अरे ड्रॉप किया है क्या, अरे ड्रॉप किया, नो बॉल है क्या, अरे अरे वाह क्या किस्मत लेके आए, कितने रन कर लिए, 17 में 31 कर लिए, मजा आ भी गई भाई। अर्ली लग गया इस बार, दो की कोशिश तो करेंगे चाहे कुछ भी हो, और इसकी रन और पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया, और फिर से नो बॉल, ये कौन सा नशा कर लिया, ये कौन है, दी दयाल भाई, दयाल क्या कर दिया तूने, अरे ले रे रे, फिर से नो बॉल,
फिर से नो बॉल, इस बार रोका है रन लेने से रोका, लेकिन फिर से नो बॉल, फिर से नो बॉल। श्रीलंका भाई लगता है पक्का हारने वाली है, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो आज श्रीलंका हारने वाली है, कुछ भी कर लो आप, गारंटी है भाई मेरी। एक और बढ़िया शॉट और मुझे लग रहा है ये भी नो बॉल ना हो। नहीं नहीं नहीं, नो बॉल नहीं है, ओवर हो गया पूरा, यकीन नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे कर लिया, लेकिन कर लिया। एंजॉय करें आप लोग रिप्ले। हाँ, रन तो मैंने इतने बना लिया कि मैं फुल कॉन्फिडेंस है मेरे को कि मैं जीतूंगा। रीज़न ये है कि 15 ओवर ऑटो प्ले होने वाला है, सबसे बड़ा रीज़न ये है। और अगर 10 ओवर के बाद ये लोग 5 विकेट से ज़्यादा खो देते हैं तो मैं 10 से 15 ओवर डाल दूंगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब मैं ACs खेलता था, जो सेम डेवलपर की गेम है, तो उससे 15 ओवर के बाद सामने वाली टीम बचती नहीं थी, एक विकेट बचता था, मैक्सिमम 2 बचता था, रनों में बेचारे इतना पीछे हो जाते थे कि कोई मतलब नहीं रहता था। तो मैं इस बात का ध्यान रख के करूँगा, ये काफ़ी कॉन्ट्रावर्सियल डिसीजन रहा है मेरे लिए, तो मैं मानता हूँ कि आउट पता नहीं, यहाँ DRS का ऑप्शन भी नहीं दिया था, T20 मैच था तो भी इंटरनेशनल। और बैटिंग अंत में कर ली वसूल भाई ऑस्ट्रेलिया ने, भरपूर रन बनाए, नौ बॉल भी बहुत डाली दयाल ने धमाधम, और टाई ने उसका पूरा फायदा उठाया। जब जब लेग पे गेंद दी है मारे हैं शॉट, आखिरी गेंद भी बढ़िया जा सकती थी लेकिन देर आ गया था तो 2 ही रन मिल पाए, वसूल तो कर लिया। अंत में जो ये रन मारे हैं ना, जहां हम 140 का सपना नहीं देख रहे थे, 140 इम्पॉसिबल लग रहा था, 150 प्लस का स्कोर चेज करने के लिए दिया है, तो फिर बहुत तारीफ होगी यहाँ पर। देखिए सेम शॉट, सेम गेंद आ रही, तो भाई कोई भी बंदा सेम शॉट मारेगा, स्कोर कार्ड हम जरूर देखेंगे क्या हाल है। लसित मलिंगा और दयाल ने आउट किए थी, हालत देखिए क्या हो गई थी, मैं अकेला भाई 0 पे नहीं आउट हुआ, आप लोग देख लो, जो लोग डेविड वार्नर 0 पे आउट हुए थे, देखिए आरन फिंच भी आउट हुए, लेकिन सामने वाले ऑटोमेटिक आउट किया, यानी ऑटोमेटिक प्ले में आउट हुए वो सिमुलेशन में। सबसे बढ़िया बैटिंग की है यहाँ पर अनडाउटली मैं कहूँगा एंड्रयू टाई, क्योंकि भले दूसरे नंबर पे हैं, 37 किए हैं लिन ने, उसके अलावा 21 किए हैं शॉर्टी ने, बैरनडॉफ ने भी 5 में 10 किया है। गेंदबाजी की बात करें तो ज़बरदस्त होने वाला है, सबसे ज़्यादा कौन धुलाए हैं, दी दयाल 12.75, 1 विकेट 4 ओवर में 50 मार ली इन्होंने। सबसे बढ़िया बॉलिंग की है शुक्ला ने, एल शुक्ला 4 ओवर 26 रन। बढ़ेंगे हम अब हमारी बॉलिंग की तरफ, और श्रीलंकन खिलाड़ी ओपनर्स नीलकंठा देवी स्ट्राइक लेंगे और जैसन बैरनडॉफ करेंगे पहली गेंद। सबको पता है मैं पहली गेंद करूंगा, उसके बाद 15 ओवर का ऑटो प्ले होता है नियम के हिसाब से, लेकिन मैं नज़र रखूंगा ताकि अगर 10 में 5 से ज़्यादा विकेट गिरती है तो फिर मैं रोक दूंगा सिमुलेशन। सिमुलेट आफ्टर 10 ओवर, मुझे तो डर है भाई कि 10 ओवर में ही ना ऑल आउट हो जाए। अरे भाई देखा, इसलिए मैं यार मज़ा नहीं आता मुझे, 6 गिरा दिए विकेट और सिर्फ 65 रन है, तो फिर यार बैलेंस नहीं रहती ना यार, मैं नहीं चाहता कि किसी मेरे को फ़ायदा हो या अपोनेंट को फ़ायदा हो, नुकसान हो, सॉरी फ़ायदा नहीं नुकसान हो, यहाँ पे अपोनेंट को साफ साफ नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने रोक दी, 15 ओवर नहीं खेली है। मैं डालूंगा 10 ओवर तो नहीं, पर कम से कम 5 ओवर तो यहाँ से जरूर डालने वाला हूँ। पहली गेंद यहाँ पर दिखा दिया है कि ऑस्ट्रेलिया कितनी मजबूत टीम है अभी इनएक्सपीरियंस श्रीलंकन टीम के सामने, और श्रीलंका का भी जवाब जबरदस्त आया है और फील्डर नाकामयाब रहे हैं बाउंड्री के पार जाने से, रोक नहीं पाए हैं। हाँ, अगर मैच बराबरी पे आ जाता है ये 5 ओवर में तो मैं और 1-2 ओवर डाल दूंगा एक्स्ट्रा, ताकि जो अनफेयरनेस हुई है वो बराबरी पे आ जाए, लेकिन भाई वैसा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एक शानदार कैच किया है, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा था, रिप्ले मुझे देखना है इसका, और विकेट मिली है हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑलरेडी विकेट की कमी है श्रीलंका के पास, और इस तरह से अगर विकेट छोटी रहेगी तो ये मैच मुझे नहीं लगता है आगे के ओवर चलेगा। ये देखिए मैंने कहा आपको काफ़ी मुश्किल कैच था, थोड़ा बॉडी से दूर था इसलिए अंत में कवर कर लिया था, लेकिन जब बॉल उनके हाथ में आया तब आसान हो गया। तो लसित मलिंगा सूरज की तरफ चमक रहा है उनका गाल, और शाम का सूरज, सुबह का नहीं,
अगली गेंद डिफेंस में मजबूत जरूर किया, डिफेंस नहीं किया ये, स्ट्रेट ड्राइव खेली है इन्होंने। 10.4 57 में 88, कप्तान लसिथ पलिंगा, इनसे ज़्यादा उम्मीदें आप नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो बैट्समैन नहीं है, वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। हाँ कप्तान हैं तो हो सकता है कि आज स्पेशल कुछ परफॉर्मेंस दिखा दें, पर 56 में 87 देखा जाए तो बन सकता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि नहीं बन सकता, लेकिन एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देना होगा जैसे एंड्रयू टाई ने आज दिया है ना, वैसा कुछ मिस किया है फील्डर ने, लेकिन फिर भी एक ही रन ले पाए हैं। इसी के साथ हमारा पहला ओवर पूरा हुआ है, 4 ओवर और बाकी हैं। मार्क स्टॉइनिस आए हैं गेंदबाजी करने, स्लिप रखी गई है, तो हम एक शॉर्ट पिच गेंद डालते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है बैट्समैन का, क्या सरप्राइज होगा वो। सरप्राइज तो छोड़िए, वो गेंद भी नहीं ले पाया है बल्ले पे, इसका मतलब है अरे, लेकिन ये तो वाइड दे दी है। कोई बात नहीं, अगली गेंद हम यॉर्कर डालेंगे, फुल स्पीड से डालेंगे, उम्मीद करेंगे पैरों पर ही रहें ताकि अगर मिस होते हैं तो लेग बिफोर विकेट हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ और ही होने का प्लान है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक और विकेट ले गया है। यॉर्कर काम की है लेकिन अलग ढंग से, जो कहते हैं ना कि यार कभी कभी कोई दवा काम कर जाती है लेकिन अलग ढंग से, तो यहाँ दवा हमने डाली थी यॉर्कर ही, लेकिन असर अलग ढंग से हुआ है, पूरी तरह से आउट कर दिया। हमने सोचा था सिंगल रोकेंगे डबल रोकेंगे, जैसा कि दवा का असर होता है, एक दो दिन में ठीक होता है, ये बंदा तुरंत ही हो गया ठीक। काफ़ी दुखी कप्तान भी हैं, तो मुझे देख के हंसी आती है यार इस गेम में मलिंगा को, पता नहीं क्यों मुझे मलिंगा लगते ही नहीं है, इसलिए कि मुझे मलिंगा कम, और वो पिक्चर थी ना आमिर खान ने बनाई थी, उसमें एक किसान का रोल किया था, वो कैरेक्टर ज़्यादा लगता है, नाम भूल गया मैं उसका, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे मलिंगा तो याद करके आऊँगा मैं कौन था वो। स्लोवर यॉर्कर डालने का प्लान है, देखते हैं कितना सफल होता है। हाल फिलहाल तो बहुत सफल हुआ है अपोनेंट के लिए, लेकिन श्रीलंका के लिए, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर नुकसान हुआ है रनों का। स्टॉइनिस को पता तो था कि फील्डिंग सेटअप अगर नहीं रखोगे तो भाई यही होगा, मेरा भी ध्यान नहीं था फील्डिंग सेटअप पे, डिफेंसिव ही रख रहा हूँ फील्डिंग सेटअप, इनके लिए यही रख रहा हूँ, देखता हूँ कितने रन बना पाता है, बना भाई जितने रन बना सकता है बना के दिखा, मैं भी देखूँ कितने बनाता है। अरे फिर 9 बॉल दे दी, ये तो गड़बड़ हो रही है यार, फ्री हिट भी मिलेगा लेकिन ये 9 बॉल जो है ये स्टेप आउट वाला नहीं है, तो यहाँ पर फ़ायदा मिला है। अरे रोक छोड़ दिया यार, क्या कर रहे हैं, रिलैक्स हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, रिलैक्स हैं, उन्हें पता है कि हम लोग इस मैच में इस समय आ गए हैं क्योंकि सिर्फ 2 विकेट लेनी है, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है यहाँ पर ही मुखोपाध्याय आउट हो जाएं। फिर से फ्लिक किया है लेकिन इस बार उछली नहीं है गेंद, लास्ट टाइम मलिंगा ने खेला था तो गेंद ने हल्का सा बल्ले पे लेके उछल गई थी गेंद, तो आउट हो गए थे उस बार। इस बार सिंगल का कॉल दिया है, आराम से लेंगे एक रन, ओवर करेंगे कंप्लीट, स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे मुखोपाध्याय, 27 गेंदे 22 रन, ऑफ साइड में रखने की कोशिश है इस गेंद को, एज, किस्मत किस्मत किस्मत, अरे वाह भाई, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं से गेंद अच्छी डाली थी स्टार्न लेक ने, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया है, और यही रीजन है कि मैं अधिकतर यॉर्कर डालने की कोशिश करता हूँ अधिकतर गेंदें। इस बार फिर सही ढंग से नहीं लगा पाए शॉट, शॉट आपको लग भले रहा है कि हाँ भाई जहाँ खिला है वहाँ परफेक्ट गया है, लेकिन टाइमिंग में कहीं ना कहीं गलती दिख रही है मुझे बैट्समैन की, क्योंकि हल्का सा मूवमेंट लेके गया है गेंद, इस बार साइड चेंज नहीं की है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम ट्राई कर सकते हैं, हम मैच ऑलरेडी जीत ही रहे हैं मेरे ख्याल से, तो मैं आराम से रिस्क लेके गेंदबाजी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है गलत गेंद हो रही है, तो भी देख रहा हूँ कि क्या होगा अगर गलत गेंद डालता हूँ, तो ऑफ कटर साइड कंटिन्यू रख रहा हूँ मैं, एक्चुअली साइड चेंज करनी चाहिए अगर मेरा ये बहुत वन साइडेड मैच नहीं होता तो, विकेट कम है इसलिए मैं कह रहा हूँ, एकदम हमारे जैसी हालत है, जो मैं 20 ओवर के मेरे गेम प्ले डालता हूँ सेम ऐसी हालत होती है हमारे, अंत के बंदे बेचारे फाइट बैक कर रहे होते हैं,
अब मुझे भी मालूम है वो ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। हाँ अगर कोई चमत्कार हो गया तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोशिश लगातार जारी है, रन ले रहे हैं, बाउंड्री ऑलरेडी मिल चुका है इस ओवर में। तो श्रीलंकन खिलाड़ी भी यहाँ पर जो डिफरेंस है 30 से कम का डिफरेंस है देखा जाए तो पॉसिबल है करना, कवर करना, लेकिन उसके लिए वही बात है विकेट आपका बचा रहा तो आप कर लोगे बाकी। और ये आउट, मेरे को पूछा भी नहीं कैच करने से पहले। वाह भाई, ये पहली बार हुआ ऐसा मेरे साथ, पूछा भी नहीं मेरे से कि कैच करूँ या ना करूँ, और पहली बार ऐसा हुआ है। मैं एक्चुअली सरप्राइज हूँ, मुझे बाउंड्री लग गई थी कि बाउंड्री है, मुश्किल भी था कैच। देखिए डाइव वाइव लगा के किया यहाँ पर फिंच ने, और इसी के साथ लोचन पुराना हो गए हैं आउट। और रमेश शुक्ला के स्टार खिलाड़ी दो रन बनाए इन्होंने, एक बार नॉट आउट रहे हैं और आज इनकी बैटिंग आई है, एक रन और बनाए आउट हुए होंगे सर, मुझे लग रहा है पहली गेंद पे ना आउट हो जाए। और ये देखिए कैच के लिए हुई है गेंद, नहीं कैच के लिए हुई है, हाँ अरे वाह, अबे कैच ड्रॉप करता है तेरी भाई, क्या किया, मैच खत्म हो जाता, अच्छा था ना, अभी तक हम भी ऑल आउट का मजा ले लेते कभी कभी। चल कोई नहीं, ये बंदा ज्यादा से टिकने वाला है नहीं, ये जो शॉट लगाया भी है इसने कुछ खास नहीं लगा पाया था, मुझे नहीं लगता है ये लोग 35 ओवर सर्वाइव कर पाएंगे, यानी 10 गेंदे ये लोग खेल पाएंगे, 10 गेंदे भी अगर खेल जाते हैं तो मैं मानता हूँ ये बहुत बढ़िया खेल गए। मैं साइड चेंज नहीं कर रहा हूँ, अच्छा स्टॉइनिस गेंदबाजी कर रहे हैं तो ठीक है, मुझे तो ये देखना ये आउट कैसे होने वाला है, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके शुक्ला जी मुझे देखना है किस तरह से आउट होते हैं इस गेम में, क्योंकि 11 नंबर के खिलाड़ी हैं, शॉट तो अच्छा खेल रहे हैं लेकिन कुछ रन नहीं ऐड कर पा रहे हैं। डिफरेंस अब अभी भी 20 का 30 का नहीं हुआ है, तो देखना होगा क्या कर पाते हैं आगे। स्लोअर गेंद है, साइड कंटिन्यू रखी है मैंने, जनरली साइड अलग करके डालते हैं हम लोग, ओवर द विकेट डालते हैं राइटी के साथ, लेकिन अभी मैं राउंड द विकेट ही आ रहा हूँ। एक बार फिर यॉर्कर गेंद की कोशिश है, इस बार गेंद आई कि थोड़ी सी स्लोअर, एज लगा है और अच्छी बात है कि चौका नहीं गया, स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे। इनको मैं एक फुल लेंथ गेंद डालता हूँ, देखता हूँ फुल लेंथ गेंद पे क्या करते हैं, फुल स्पीड से वो भी। ओहो मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आता है खेलने में जब कमजोर बैट्समैन आता है ना, तो उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। देखिए खेला तो अच्छा है और बहुत अच्छा खेला है, 4 रन, कमजोर समझना कहीं भारी ना पड़ जाए। चल भाई तूने एक बाउंसर खेली है, तू लेग कटर खेल के दिखा, एज ना लगे बस, अगर रन लेता है तो चलता है मेरे को, पर एज लेके जब रन बनते हैं तो फिर मेरी खोपड़ी बहुत गंदी खिस सकती है, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि वहां पे कोई रन था। ओए किस्मत किस्मत बड़ी किस्मत, लेकिन इनके सामने मैं डालने वाला हूँ पूरे 5, जब तक ये आउट नहीं होते तब तक मैं इनको गेंदबाजी डालने वाला हूँ, बहुत मजेदार खिलाने वाले हैं हम लोग इनको। देखिए फिर से एज, एज पे एज, एज पे एज, यहाँ पर सिर्फ लग भी रही है तो एज पे एज। क्रॉस सीम गुड लेंथ पे डाली है, इस बार थोड़ी सी उम्मीद है कि लेग बिफोर विकेट हो जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन बाउंस मिल रही है गेंद, यकीन नहीं हो रहा मुझे, गेंद मैंने बाउंसर डाली नहीं थी। मैंडियो टाई हीरो को मौका दिया है आज के दिन के हीरो को, एक्चुअली उनके हीरोपन की भी जरूरत नहीं पड़ी है हीरोपन की, क्योंकि जिस तरह से खेली है श्रीलंका वो एक भी रन नहीं बनाते अगर तो भी मेरे ख्याल से जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 100 बनाने में ही हालत खराब हो गई है। यॉर्कर के साथ शुरुआत हो गई, एकदम तेज यॉर्कर दम दमाके, एज लगी है, किस्मत देती हुई साथ यहाँ पर, 5 ओवर सर्वाइव कर गए मानना पड़ेगा वो बात। एक बार स्लोअर गेंद डाल रहे हैं हम लोग, बड़ा शॉट गैप में, 4 रन जाएगा यहाँ, अकेले फाइट बैक दे रहे हैं यहाँ पर, कोशिश कर रहे हैं
पर एक छोटी सी गलती यहाँ पर श्रीलंका को हरा देगी, क्योंकि बचे ही हैं सिर्फ एक विकेट यहाँ पर। क्विक सिंगल यहाँ पर लेते हुए अच्छी बात है, स्ट्राइक फिर शुक्ला जी के पास आया है, दो गेंदें बची हैं और हम लोग शुक्ला जी के साथ एक्चुअली खेल रहे हैं, हम उनको खिलाने वो नहीं खेल रहे हैं हम लोग उनको खिला रहे हैं एक्चुअली, अलग अलग ढंग से अलग अलग गेंदे की डाल कर हम चेक कर रहे हैं कि क्या हो। चल बहुत ज़बरदस्त लगी है, दर्द में तो बहुत है लेकिन उसे अपने आप में समा लिया है दर्द को। अरे देखो गला भी हिला रहे हैं एकदम, कहते हैं ना कि भाई बहुत चक्के रह गए हैं, तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है। हुक शॉट, कैच के लिए अपील है, सिक्स ना जाए। अरे बढ़िया बैटिंग यार, आउट तो करना है भाई, मैं आउट करूंगा, इंटरेस्ट देखते हैं क्या होता है। जीत तो पाएगी नहीं, मुझे नहीं लगता है किसी हाल में जीत पाएगी है, तो जीत गई तो मुझे शर्म आ जानी चाहिए। ओ बहुत बढ़िया गेंद, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, ओवर द विकेट आ रहे हैं यहाँ पर। अगली गेंद हम सेम वही डालेंगे, फर्क ये होगा एक बार स्लोअर गेंद होगी, लेग साइड में होगी। अपील हुई है बहुत बड़ी, लेकिन नॉट आउट ही है, वरना क्राउड का आवाज जो है ना वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। जब विकेट गिरने वाली होती है तो आपको लगेगा ऐसा कि क्राउड का आवाज अलग ही लेवल पे पहुंच गया है। नहीं, मुझे लगा कीपर ने पकड़ा, इसलिए मैंने अपील की है, लेकिन गेंद एक्चुअली बैट्समैन के शरीर से टकरा कर वहीं के वहीं गिर गई थी। स्लोअर यॉर्कर एक बार फिर डालेंगे लेग साइड के ऊपर, सामने की तरफ खेला हुआ शॉट, सिंगल मिलता हुआ। कोशिश तो जो कर रहे हैं वो मुखोपाध्याय कर रहे हैं, शुक्ला जी तो यहाँ से गेंदें बिगाड़ रहे हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं, बड़े शॉट लगा पाते हैं कि नहीं। और एज के थ्रू यहाँ पर मुखोपाध्याय ने फिर रन बनाए, 19 गेंदे 44 रन, एज पे एज। चल भाई एक और यॉर्कर डाल, मजा आने वाला है इस गेंद पे, फुल स्पीड से डाली गई यॉर्कर है, फिर से एज लगी है। अपील कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ क्या होता है। जी नहीं, नॉट आउट किया यहाँ पर, और ये स्कोर कार्ड तो अलग ढंग सा दिख रहा है। ग्लेन मैक्सवेल स्पिनर को बुलाया है, अब शुक्ला जी के साथ खेलने में और मजा आएगा। शिव शॉट पहली गेंद पे, अच्छा स्ट्राइक नहीं रोटेट कर पाए, 18 गेंदे 44 रन, ये पूरे ओवर खेल गए तो भी मेरे लिए थोड़ा सा शर्म की बात होगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अलग अलग कोशिश तो सब कर रहा हूँ। इस बार वहीं के वहीं रुक गई है, एक बार पैरों पे डालता हूँ, सीधी गेंद पैरों पे जाएगी, मजा आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है इस गेंद पे, फ्लाइट भी करानी है। बड़ा शॉट गैप में जाएगा, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। देखा जाए तो 18 का रन रेट हो चुका है, अगर मैच जीतना है यहाँ पर श्रीलंका को तो लगभग 2-3 रन तो हर एक ओवर में हर एक गेंद पे करने होंगे। बिल्डिंग सेटअप भी मैंने इनको ऐसा दिया है कि ये लोग रन बना पाए, क्योंकि यार अनफेयर था मेरे ख्याल से, पहले जो विकेट गिरे हैं वो दूसरे की तैयारी है, एफर्ट गेंद है। अपील की है, बहुत अजीब अपील है, पर देखना चाहता हूँ एम्पायर क्या कहते हैं, क्योंकि बैट के खिला है ना शॉट। फिर से एक बार टॉप स्पिन, पूरी गेंद फ्लाइट कराई हमने, एक बार फिर बॉडी पे जाके लगी है। बारह गेंदे आखिरी आज के दिन की, बाउंसर डाल रहा हूँ मैं पहली, और पीछे प्लेयर है हुक शॉट के लिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे। ओ फिर से बेचारे शुक्ला जी को लगी है यार, बहुत ज़्यादा दर्द में होंगे, इस गेम में इंजरी का ऑप्शन होता तो पक्का अभी तक इंजर्ड हो गए होते। देखते हैं अगली गेंद फिर हम बहुत ही तेज डालें, इस बार 9 बॉल चली गई है, ये क्या है। अच्छा हाँ, दूसरी बाउंसर डाल दी, ये गलत बात है भाई, स्लोअर डाल रहा हूँ इस बार, बाउंसर तो डाली है लेकिन स्लोअर बाउंसर है, तो मुझे नहीं लगता ये 9 बॉल होगी। गैप में जाता हुआ गेंद, अच्छी फील्डिंग के साथ रोका है उसे, कीपर की तरफ फेंका है थ्रो, स्ट्राइक को कराया है रोटेट, इनको हम डालेंगे डायरेक्ट, अरे यार मजबूरी में डालना पड़ेगा, स्लोअर गेंद मजबूरी में। सेम शॉट लेकिन इस बार बढ़िया खेला है पहले से,
अरे नहीं रोक पाए हैं, 50 पूरे करते हुए 42 गेंदों में कांजा मुखोपाध्याय, नाम तो पहली बार सुन रहे होंगे। अगली गेंद आएगी यॉर्कर लेंथ गेंद, देखते हैं स्लोवर यॉर्कर है क्या कमाल होता है। कैच, खाली कैच कैच कर रहा है भाई, कुछ कर तो पा नहीं रहे हो तुम, खाली कैच कैच चिल्ला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। 9 गेंदों में 8 गेंदों में 32 रन करना है। स्लोवर गेंद की बाउंसर की यॉर्कर की तैयारी, सीधे खेला शॉट, 4 रन के लिए जा जरूर रहा है लेकिन काफी गलत टाइमिंग है तो सिंगल ही मिल पाएगा। कई लोग ऐसा सोचोगे इतनी खराब गेंदबाजी क्यों कर रहे हो, भाई मैं बता दूं मैं रिलैक्स होके गेंदबाजी कर रहा हूं, कोई दिमाग से नहीं कर रहा या सोच के नहीं कर रहा, मैं खाली गेंद अलग अलग ढंग से फेंक के कॉम्बिनेशन बना के एक डाल रहा हूं, जैसे स्लोअर गेंद टच कर रहा हूं लेकिन रन अप और वो सब बहुत तेज है मेरा, तो मैं वो कॉम्बिनेशन देख रहा हूं क्या है। जैसे इस बार देखो मैंने बाउंसर रखी है लेकिन लेंथ यॉर्कर रखी है, तो मुझे अब देखना है अब क्या होगा यहाँ पे, और स्पीड एकदम तेज तो यॉर्कर हो गई है, कॉम्बिनेशन मुझे नहीं समझ में आता कि अगर आप लाइन लेंथ बाउंसर की रख रहे हो लेकिन डाल रहे हो यॉर्कर तो कैसे होगा, वो गेम कैसे उसको लेती है वो मुझे देखना है, पर हाल फिलहाल तो बहुत कंफ्यूजिंग है कि क्या ले रही है गेम, क्योंकि बाउंसर सिलेक्ट करने के बावजूद भी यहाँ पर यॉर्कर डाली थी गेंद, वो भी पैरों पे, मैंने सिलेक्ट किया था ऑफ साइड, वो भी स्लोवर गेंद गुड लेंथ के ऊपर डाल रहे हैं, हल्का सा लेग साइड रखी है गेंद, बढ़िया शॉट, स्टाइल मस्त थी, बाकी तो शॉट में इतना कुछ रन नहीं मिला है लेकिन खेलने का ढंग बहुत लाजवाब था। 3 गेंदें आखिरी, शुक्ला आ चुके हैं, 25 गेंदें बाकी हैं, 25 रन बाकी है 3 गेंदों में, स्टैंडर्ड डिलीवरी स्लिप रख दी गई है। अरे भाई कीपर क्या कर रहा है यार, ये हमारे साथ रियल मैच जो हमारे 20 ओवर के मैच होते हैं उसमें भी बहुत होता है ये ड्रामा, कीपर को पड़ी ही नहीं है भाई, कीपर को एक्चुअली कुछ भी नहीं पड़ी है, सही कहो तो हमने पूरा जो फील्डिंग सेटअप लगाया वो पावर प्ले वाला है लेकिन रन नहीं बना पा रहे। आखिरी गेंद आज के दिन की, क्या आउट होंगे ये देखते हैं, बड़े शॉट के साथ फिनिश करने की स्टाइल मस्त है शुक्ला जी की, रन कवर कर लिए 27 गेंदे 23 रन पर, अंत में जो टीम जीती है जो विनर बनी है वो है ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड में, जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ 16 रनों से जीता है ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच, मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, थोड़े रिप्ले जबरदस्त होने वाले हैं क्योंकि मैंने 10 ओवर गेंदबाजी की है, रन 5 का था लेकिन आप में से कई लोग कहते हैं कि यार ये तो अनफेयर है, तो उस हिसाब से मैंने उसको बराबरी करने के लिए गेंदबाजी की थी 10 ओवर।
अंत में टीम जो विनर बन के निकली है वो है ऑस्ट्रेलिया। और हमारा आज का जो गेम प्ले था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट T20 वो भी यहाँ पे पूरा होता हुआ, और लंबेश शुक्ला मैन ऑफ द मैच बने। वाह भाई, ये गेम में जो मैंने आपको बताया है ना पहले यार, इसको इस गेम को इससे मतलब नहीं है कि कौन सी टीम जीत रही है कौन सी हार रही है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, पूरे 22 खिलाड़ियों में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन सा है। और आप लोगों को क्या लगता है कि मैन ऑफ द मैच का क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि हार और जीत की टीम नहीं देखना है, कौन सा बंदा अच्छा खेला है? पर मैं मानता हूँ ये गलत है, क्योंकि टीम गेम है, जो टीम जिताया है जिस प्लेयर ने उसे भले ओवरऑल थोड़ा सा कम खेला हो, लेकिन अगर उसकी टीम उसने जीतने में बड़ा योगदान दिया है तो फिर वो मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। टीम गेम है ये, इसलिए अगर इंडिविजुअल होता 22 बंदे अकेले खेल रहे होते तो ठीक है रमेश शुक्ला को, वरना अगर मैं मैन ऑफ द मैच सिलेक्ट करता तो करता मेरे ख्याल से मैं, बहुत मुश्किल है। या गेंदबाजी में किसने विकेट ली कि नहीं, टाई ने, टाई ने एक विकेट लिया, एंड्रयू टाई में अनडाउटली एंड्रयू टाई को मिलता मैं मैन ऑफ द मैच, क्योंकि हाँ एंड्रयू टाई मैन ऑफ द मैच बनते मेरे नज़रिए से। तो ये था हमारा गेम प्ले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत शुक्रिया उनका, लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना सपोर्ट अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए हमारे वीडियोज और चैनल पर। और अभी के लिए ले रहा हूँ मैं विदा आपसे, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।